तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं पिवट टेबल के बारे में, और पिवट टेबल जो कि एक डेटा को समराइज, एनालाइज एंड रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अगर इसको देखा जाए तो हम पिवट टेबल से अपने रिपोर्ट्स को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। जी हाँ, रिपोर्ट बनाने के लिए पिवट टेबल का यूज होता है, क्योंकि अगर रिपोर्ट की डेफिनेशन देखा जाए तो रिपोर्ट की डेफिनेशन होता है समरी ऑफ द डेटा। कोई भी रिपोर्ट हो, किसी भी तरह का रिपोर्ट हो, तो किसी न किसी डेटा की समरी ही होता है। रिपोर्ट इज द समरी ऑफ द डेटा। और पिवट टेबल का भी माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। तो ऐसा अगर आते हैं तो आप अपने 60-70% रिपोर्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा या बहुत पिवट का इस्तेमाल किया जा सकता या करते हैं। तो पिवट लगाने से पहले दो तीन चीजों पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको डेटा को समझना होगा, क्योंकि डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, तो डेटा की समझ होगा तभी जाके पिवट में आप उसको रिपोर्ट की तरह एक समरी प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करेंगे। तो जो डेटा आपके सामने है, सिंपल सा एक सेल्स डेटा है। यहाँ पे मतलब कि सेल्स की आईडी है, यहाँ पे सेल्स की डेट है, सेल्स का मोड है कि ऑनलाइन है या किसी के रेफरेंसेस हुआ है या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर है या एफिलिएटेड है या डायरेक्ट सेल है या ऑनलाइन है। उसके बाद कस्टमर की आईडी है, नेम ऑफ द कस्टमर्स है, स्टेट एंड सिटी थे, प्रोडक्ट की आईडी है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट है, इसकी क्वांटिटी है और इसको मान लीजिए एमआरपी है, कितने रेट में बिका है, टोटल अमाउंट क्या है, कितना टैक्स दिया गया है, तो उसकी ग्रांड टोटल क्या है। और इस सेल्स को करने के लिए, इस 69 की क्वांटिटी को करने के लिए 136 कॉल्स किए गए हैं। और मेरी दो प्लेटफॉर्म है, मेरी दो वेबसाइट है, आईपीटी इंडिया एंड सुजीत कुमार, आईपीटी इंडिया से सेल की गई। तो डेटा समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अब बात करते हैं पिवट लगाने से पहले दो चीज और देखना होता है। पहला कि आपका कोई हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हेडिंग के अकॉर्डिंग ही चलता है। सो हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर हेडिंग ब्लैंक है तो फिर वो आपका पिवट लगेगा ही नहीं, क्योंकि पिवट हेडिंग के साथ ही चलता है। दूसरा, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आता है कि क्या मैं पिवट लगाने के लिए डेटा को सिलेक्ट करूं या बगैर सिलेक्ट करके पिवट लगा सकता हूं। वो डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। अगर आपका डेटा बिल्कुल ब्लैंक है, जैसे कि मैंने यहां पे किया हुआ है, ये बिल्कुल ब्लैंक है, तो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर सिलेक्ट नहीं करते हैं तो कंट्रोल ए यहीं पे ले लेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। तो देख लीजिए, ऐसा है तो सिलेक्ट कीजिए। मैं पिवट ब्लैंक होगा तो भी पिवट लग जाएगा, बट सिलेक्शन की जरूरत है। बट हेलिंग ब्लैंक हुआ तो पिवट नहीं लगेगा। कैसे होल्ड कीजिएगा, सॉरी सर। तो यहां पे चलिए हम पिवट लगाते हैं। पिवट हमने लगाया, पिवट लगाते ही मेरे पास इस तरह का विंडो है। जब पिवट इंसर्ट किया तो एक नई विंडो खुल के आ गई यहां पे। अब मुझे इस पे अपना पिवट इंसर्ट करना है, तो मुझे क्या चाहिए? पहले आपको क्या चाहिए? देखिए, पिवट में क्या होता है कि आपके यहाँ पे पिवट विंडो है जहां पे आपकी पिवट प्रिपेयर होती है। मैंने इस पे क्लिक किया और यहां जो है आपका हेडिंग्स है। तो मैंने बोला था ना कि हेडिंग्स होना ही चाहिए, क्योंकि यहां वो हेडिंग को ही पिक करता है, तो हेडिंग कंपल्सरी है। अब ये चार सिस्टम है, फिल्टर, कॉलम्स, वैल्यू एंड रो। अब मुझे इसमें से फील्ड को उठा के इसी चारों में रखना है और यहाँ रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगा।
लेकिन रखना क्या है वो डिपेंड करता है कि आपको समरी क्या चाहिए, रिपोर्ट क्या चाहिए। जैसे कि मुझे इंफॉर्मेशन ये पता करना है कि किस सेल्स मोड में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, ठीक है, सिंपल सा। तो मैंने सेल्स मोड को उठाया एंड रो सेक्शन में रख दिया, तो यहां पे मेरे सारे सेल्स मोड जो है यहां पे एक के नीचे आ गए, राइट। तो सारे सेल्स मोड यहां एक के नीचे। अब यहां पे देखिए मेरा सेल्स मोड जो है बहुत रिपीटेड है, सेल्स मोड मेरा रिपीटेड है, बट यहां पे एक के नीचे एक के नीचे एक ही जा रहा है, राइट। अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं कि हमारी जो है क्वांटिटी है उसका सम चाहिए, तो जिसका भी कैलकुलेशन करना है, जिसका भी कैलकुलेशन करना है उसको आप क्या करेंगे, यहां क्वांटिटी वाले मतलब वैल्यूज वाले सेक्शन में डालेंगे। यहां पे सम ऑफ द क्वांटिटी दिख गया, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसने सम दिखा है। अब इस पे क्लिक कीजिए वैल्यू फील्ड सेटिंग में। अब सम की जगह पे काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम चीजें ले सकते हैं, राइट। तो यहां फिलहाल सम रहने देते हैं। अभी आपका रिपोर्ट बन गया, लेकिन इसमें हमें कुछ चेंजिंग करनी। जैसे रो लेवल है, मैं यहां पे सेल्स मोड रखना चाहता, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं कि आपने यहां पे सेल्स मोड डाल दिया। अब यहां पे आता है सम ऑफ द क्वांटिटी, इसके जगह पे आप टोटल कर सकते हैं। टोटल ऑलरेडी है तो इसमें आप स्पेस दे सकते हैं, ऑलरेडी यहां टोटल कॉलम है ना, इसलिए नहीं ले रहा था। चेंज क्या नहीं कर सकते, तो चेंज नहीं कर सकते इस पार्ट को, यहां पे टोटल हो क्या आया वो चेंज नहीं कर सकते। अब मुझे रिपोर्ट में मान लीजिए ये भी करना है कि मुझे टोटल अमाउंट भी शो करना है, तो ऐसा नहीं कि वैल्यू में आप एक ही रख सकते हो, आप यहां पे टोटल अमाउंट को यहां रख दीजिए, ग्रांड टोटल को यहां टोटल अमाउंट आ गया। तो यहां पर मैं क्वांटिटी चेंज कर देता हूं, यहां पर मैं अमाउंट से किया जा सकता है। या फिर मैं यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने दो फील्ड रखा कॉलम में वैल्यू आ गई। ये वैल्यू क्या है, मतलब इससे पता चला रहा है कि आपकी डेटा कॉलम वाइज चल रही है। मैं वैल्यू को यहां सेल्स मोड में रख दूंगा तो इस तरह से आ जाएगा, मैं ऊपर रखूंगा तो इस तरह से आएगा, ठीक है। या फिर मैं अमाउंट हटाता हूं, मुझे चाहिए कौन से सेल्स मोड में कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट को उठा के मैं कॉलम में रख दूंगा, तो ये आपकी कॉलम वाइज रिपोर्ट आ जाएगी। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूं, तो आप जो है नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो करते हैं वो नॉर्मल फॉर्मेटिंग तो आप यहां से कर सकते हैं कि इसमें आपने बॉर्डर लगा दिया, आपने इसकी हेडिंग को कॉलम कलर कर दिया या कुछ और कलर कर लिया आपने, नीचे वाले कुछ और कर दिया, ये चीजें तो आप कर सकते हैं, बट मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगा। क्यों कि अगर पिवट आपने बनाया, अभी चलो ठीक है एफिलेटेड आपका है, मान लीजिए कि एक दो और एक दिन और सेल्स मोड बढ़ गया, तो इसको रिफ्रेश करेंगे,
क्योंकि डेटा में कुछ भी चेंज करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे क्वांटिटी में 65 कर दिया, तो ये इफेक्ट कब करेगा? देखिए यहाँ पे इफेक्ट करेगा 5 महीने ना चेंज हो जाएगा सर, हो गया ना सर, रिफ्रेश करने पे करेगा। तो जैसे रिफ्रेश करेंगे आपके सीक्वेंस बढ़ेगा तो सीधे नीचे आ जाएगा, क्योंकि अभी आपने जो फॉर्मेटिंग किया है वो आपने रो नंबर 10 पे किया है। अब मान लीजिए 11, 12, 13 आ गया तो वो फॉर्मेट थोड़ी होगा, तो फॉर्मेटिंग के बाहर हो जाएगा, क्योंकि पिवट इस फॉर्मेट से कनेक्टेड थोड़ी है। तो आप चाहते हैं कि ऐसी फॉर्मेटिंग जो मेरे पिवट से कनेक्टेड हो, तो यहां जाएंगे डिजाइन में, और डिजाइन में इतने सारे आपके फॉर्मेट बड़े बड़े फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को इतने सारे हैं इसमें। अब इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा जो इसमें मुझे चाहिए, ये हम इसको सिलेक्ट करते हैं। देखिए तो ए फॉर्मेटिंग आपके पिवट का पार्ट हो जाता है, तो पिवट कैलकुलेट में आगे नीचे होता है तो भी अपने आप को ऊपर नीचे कर लेगा। अब चलिए कुछ और, अब इसमें आपको विजुलाइजेशन लगाना है, चार्ट लगाना है, तो इसमें आप सेलेक्ट कीजिए चार्ट्स को, दिखा सकते हैं, और चार्ट की भी अपनी इसमें डिजाइन में जाइएगा तो अपना अपनी फॉर्मेटिंग है, अपना डिजाइन है। हालांकि चार्ट्स के ऊपर हम आपको आए क्लासेस में डिटेल में पढ़ाएंगे, बट यहां से फॉर्मेटिंग शॉर्ट में चेंज कर सकते हैं, और इस रिपोर्ट को आप भेज सकते हैं। आप रिपोर्ट भेजना चाहते हैं बट डेटा नहीं भेजना चाहते, आपने रिपोर्ट बनाया, आप रिपोर्ट भेजना चाहते हैं बट डेटा नहीं भेजना चाहते, कोई बात नहीं, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे मूव एंड कॉपी, सॉरी राइट क्लिक, मूव एंड कॉपी, और यहां पे न्यू बुक एंड ओके, एक नई बात बुक में आ गई। अब इसको सेव कीजिए और भेज दीजिए। बोलेंगे सर डेटा नहीं है, सो कोई बात नहीं, पिवट अपना डेटा अपने पास कैरी करता है। जैसे आपको डेटा देखना है ना सर, मुझे देखना है कि एफिलिएटेड को सिटी सीडी में 7592 का क्वांटिटी है, इसका डेटा गया, जस्ट डबल क्लिक और यहाँ आप देखेंगे कि सारा का सारा डेटा यहाँ पर एक अलग सीट। तो जब पिवट हम लगाते हैं तो डेटा को कॉपी करके अपने बैकएंड, ओके सर ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कॉलन में लगाया, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि कॉलन में आप जो है उसी फील्ड को रखें जिसकी क्वांटिटी कम हो, जैसे यहाँ पे इसकी आइटम जो है कम आइटम है तो ये रिपोर्ट अच्छा दिख रहा है। लेकिन मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे सिटी को उठा के कॉलम में रख देता हूँ, रिपोर्ट जो है थोड़ा सा देखने में क्रिटिकल हो गया, लंबा रिपोर्ट हो गया। तो बेसिकली हम लोग स्क्रॉल टॉप बॉटम टू डाउन स्क्रॉल अच्छा कर लेते हैं, बट लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल जो है थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो लेकिन मुझे सिटी तो दिखाना है, तो आप सिटी को उठाइए और सेल्स रो में सेल्स बोर्ड के नीचे डाल दीजिए, या फिर आप मान लीजिए आप चाहते नहीं पहले सिटी प्रायोरिटी है मेरी, तो सिटी को रखिए सेल्स बोर्ड को नीचे कर दीजिए, इस तरह का रिपोर्ट बन जाएगा आपका। इसे एक बेनिफिट भी है, ये प्लस माइनस सिंबल है यहाँ पे इस तरह से, तो सिटी वाइज रिपोर्ट हो गई। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, सॉरी यहाँ नहीं, इस पे नहीं, एनालाइज पे, यहाँ
एक्सपेंड कोलैप्स एक्सपेंड कोलैप्स एक्सपेंड, या फिर आप इसको ऊपर नीचे करते हैं तो यहाँ पे कोलैप्स। अब जैसे मुझे पता करना है कि ऑनलाइन किस किस सिटी में सेल हुआ है, कितना कितना हुआ, जिसका रिपोर्ट आ गया, इसको समरी ऑफ द समरी भी कहा जाता है। समझे सर? लेकिन अगर रिपोर्ट को एज ए पिवट में आपको देना है तो ठीक है, अगर अनपिवट में देते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब बोले क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, कर दिया। अब मैं इसको कॉपी कर, कभी भी क्या होता है कि हम लोग रिपोर्ट को पिवट में ना डाल के उसको कॉपी करते हैं और किसी और सीट पे वैल्यू पेस्ट करके इसके और भी कैलकुलेशन करते हैं, बी लुकअप दवा लगाना हो गया और चीजें लगाना होगा, हम यहां लगाते हैं। यहां प्रॉब्लम क्या हो गया कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा आपका सेल्स मोड है और कौन सा अपना आपका सिटी है, क्योंकि दोनों मिक्सअप है। तो मुझे चाहिए कि पहले कॉलम में मेरा सेल्स मूड हो, दूसरे कॉलम में मेरा सिटी हो और तीसरे कॉलम में हमारा क्वांटिटी हो। इसको करने के लिए दो तीन तरीके हैं। आप डिजाइन पे जाइए और यहां आपको सो टेबुलर फॉर्म या आउटलाइन फॉर्म दिखता है, इसको कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शंस डिस्प्ले क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको स्वैप कर देता हूं, और इसको यहां से ये है एक्सपेंड करना पड़ेगा ना इस तरह। अब हर के नीचे टोटल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, हर सिटी के नीचे टोटल है। मैं चाहता हूं टोटल ना दिखे, राइट क्लिक कीजिए, सब टोटल जो आप दिख रहा है इसको क्लिक कर, ये आपका हट जाएगा। अब प्रॉब्लम है कि अगर मैं कॉपी करके कहीं और रखता भी हूं तो फिल्टर में प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं या सॉरी पिवट पे तो मैं फिल्टर आसानी से लगा सकता हूं, बट इसको अगर हम पेस्ट कर देते हैं किसी और जगह पे तो मैं यहां फिल्टर नहीं लगा सकता, यहां जो है हम फिल्टर नहीं लगा सकते, यहां फिल्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां अगर मान लीजिए हमने भोपाल को लगाया, क्लिक किया तो देखेंगे भोपाल का सिर्फ एक आया है, जबकि भोपाल का काफी ज्यादा है यहां पे, दिख रहा है? तो मैं चाहता हूं कि जो भोपाल है इस तरह से अगर नीचे तक रहता तो सही रहता, तो मैनुअली एक एक करने में तो काफी टाइम लगेगा, काफी ज्यादा सिटी हुआ तो। तो मैं चाहता हूं पिवट में कुछ ऐसा हो, ऐसा हो सकता है, इसके लिए डिजाइन में जाना पड़ेगा, जहां पे आपने रिपोर्ट लेआउट में टेबुलर फॉर्म सिलेक्ट किया था उसी के नीचे रिपीट ऑल आइटम लेबल, जी हाँ रिपीट ऑल आइटम लेबल यहां दिख जाए, रिपीट ऑल आइटम के नीचे आप इसका यूज कर सकते। ओके क्लियर सर? बिल्कुल। कोई डाउट सर इसमें? नहीं ठीक है, वेरी गुड। ये कॉपी यहाँ पे साइड में करने की क्या जरूरत थी, वहीं पे आप कर रहे थे पिवट टेबल में ही? जैसे कि नहीं बताया कि हमने बेसिकली क्या है कि इस पे और भी बहुत सारे कैलकुलेशन करना होता है, तो पिवट के अंदर कैलकुलेशन नहीं करते। समटाइम क्या होता है कि हम पिवट से समरी को लेते हैं, किसी अलग सीट पे पेस्ट करते हैं, उसके ऊपर और भी बहुत सारे कैलकुलेशन और बहुत सारी चीजें करनी होती है, क्योंकि पिवट में नहीं कर सकते। ठीक है,
ठीक है, तो उस केस में मुझे कॉपी करके पेस्ट करना होता है। दूसरी चीज है, अब मैं जैसे कि मैं चाहता हूं कि मुझे सेपरेशन चाहिए, कि जैसे कि उदयपुर है और ये आपका अगरतला है, इसके बीच में एक एक जो जैसे जैसे मैं सिटी चेंज हो रहा है तो उसके बीच में एक ब्लैंक रो हो ताकि सेपरेशन दिखे, थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है, तो डिजाइन में ही ब्लैंक रो का ऑप्शन आएगा, इंसर्ट ब्लैंक रो, तो हर सिटी जैसी खत्म होती है तो एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाता है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे रिमूव डू नॉट रिपीट कर दीजिए, ठीक है। अब मुझे इसको मर्ज करना है, मैं चाहता हूं कि ये मर्ज हो जाए इस तरह से, एक सेल बन जाए। तो डायरेक्ट पिवट, तो पिवट के ऑप्शन के साथ मर्ज कर सकते हैं, राइट क्लिक, पिवट टेबल ऑप्शन, मर्ज, यहां आप मर्ज कर सकते हैं सर। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं सॉर्टिंग। अब जैसे कि थोड़ा देर पहले मैं बताया डेटा का कि हम डबल क्लिक करते हैं ही डेटा ले लेते हैं, डेटा आ जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की एक हैबिट होती है डबल, कुछ लोगों की हैबिट होती है डबल क्लिक करने की। मैं चाहता हूं डबल क्लिक करने पर जो डेटा आता है डेटा ना आए, तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाते हैं और यहीं पे आपको दिख रहा होगा डेटा, डेटा में जाते हैं और एनेबल शो डिटेल्स, एनेबल शो डिटेल्स, इसको अनचेक करके ओके कर दिया। अब मैं इस पे तो मुझे डेटा नहीं दिखेगा, ओके। क्लियर है सर, कोई डाउट इसमें? नहीं ठीक है, क्लियर है सर। पिवट को थोड़ा सा स्लोली पढ़िए क्योंकि पिवट काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस इसकी जरूरी है। तो मैं ए फाइल आपको भेज रहा हूं, इस फाइल पे मुझे करीब 8-10 पिवट टेबल बना के दीजिए। ईमेल आईडी है सर आपकी? बिल्कुल, 8-10 ईमेल आई, 8-10 पिवट टेबल मुझे अपने हिसाब से बना के उसमें लिख दीजिए एक्सेल पिवट टेबल, मुझे बाद में ना ओपन करने के लिए इजी होगा। हेडिंग में एक्सेल, एक्सेल लिखिए फिर पिवट टेबल के लिखिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि पिवट टेबल का प्रैक्टिस है। एक काम कर लीजिए ना, मेरे मेरे मेल का एक अलग से इनबॉक्स में फोल्डर बना दीजिए। आपने अटैचमेंट किया क्या, चेक करना एक बार। ऐड कर दिया सर, ठीक है। एक फोल्डर बना लीजिए यहाँ पे और उसमें सेट कर दीजिए, मेरे जो भी मेल आएंगे उसमें आप डाल दीजिएगा, ठीक है सर। कल मिलते हैं इसी टाइम पे, और जैसे मेरा 9 बजे से पहले कोई बैच खाली होता है या मूव होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सर। मुझे चेंज कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।